हेलो भाई, तो हाँ जी, हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। ये देखो भाई ना, सिटी सेंटर के बिल्कुल मिडल में हम इस टाइम। यहाँ के अपार्टमेंट भी ना कितने बड़े बंगलो है भाई ना। तो डब्लिन सिटी सेंटर आयरलैंड में अगर आप आ रहे हो, कितना रेंट मिलता है, कैसे आपको अपार्टमेंट मिलता है भाई ना, स्टूडेंट पे आ रहे हो या फिर वर्क परमिट भाई ना, क्या से कुछ आपको पे करना पड़ता है, सब कुछ हाथ भी आपको इस वीडियो में पता लगने वाला है। तो भाई ना चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भाई शुरू में कर दो। लो भाई ना, ये ऐसे ऐसे अपार्टमेंट है, रेड कारपेट वाली फीलिंग आ रही है, लेकिन भाई ना रेंट भी इनका रेड कारपेट वाली आपसे लिया जाएगा। यहाँ पे भाई हम एंटर हो गए, ये देखो पहले तो देखो भाई ना कितने ऊँचे अपार्टमेंट है, और ये अपना 2 बेड वाला भाई ना अपार्टमेंट है। तो इस टाइम है भाई सिटी सेंटर के बिल्कुल मिडल में, स्पायर है भाई यहाँ पे डब्लिन में, उसके बिल्कुल सेंटर में है। और यहाँ पे भाई 2 बेडरूम रूम का ये देख लो भाई ना अपार्टमेंट ऐसा मिलता है अपना। और किचन भाई हाँ यहाँ से शुरू होके वहाँ पे अपना फिनिश हो जाती है अपना। साथ में अपना लिविंग रूम है भाई, अपना तैयार होने वाला है, उसके साथ भी अपना नीचे चलेंगे। इस घर का किराया भी, अपार्टमेंट का किराया 2200 यूरो, यानी कि 2 रूम है तो 1100 एक रूम का, 1100 अगले रूम का। तो भाई ना ये रियलिटी है, जब आप आने की सोच रहे हैं, आप ना सोचते हैं बिना वहाँ पे जाके बड़ा बंगलो मिल जाएगा इतने का, तो नहीं भाई ना विदाउट बिजली पानी। अच्छा ही भाई ना प्रिंस का कहना विदाउट बिजली, यानी कि जिसमें आपको इंक्लूड करना पड़ेगा 2200 में प्लस 200 यूरो एटलीस्ट, 300 यूरो एटलीस्ट आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा जिसमें बिजली वगैरह का। तो भी नहीं, ये अपना डरा नहीं रहा हूँ, आपको एक छोटी सी रियलिटी दिखा रहा हूँ ना डब्लिन की, ताकि आप थोड़ा सा सोच के आए भी ना कि हाँ वहाँ पे जाके कितना खर्च होने वाला है। प्रिंस भाई आए वहाँ पे अपना पोर्चुगल थे, और लास्ट की वीडियो आपने देखी होनी, तो बातचीत करी थी बिना प्रिंस के साथ। तो पोर्चुगल से आए हुए, उनकी राय लेंगे, उनसे पता करेंगे बिना क्या कुछ पे कर रहे हैं भाई यहाँ पे ना डब्लिन में। वो भी हिल गए भाई, यहाँ पे सोच रहे भाई ठीक ठाक है सिस्टम, किराया ठीक ठाक हो जाना, जॉब ठीक ठाक मिल जानी। मैं चलो कोई नहीं। अंदर भाई 2 भाई हैं, वो अपना स्टडी कर रहे हैं, तो बाहर जाकर अपना बात करते हैं। बट मैंने एक चीज़ देखी सचिन, जैसे यहाँ पर आके मैंने चीज़ नोट की कि आप जॉब करके नहीं सर्वाइव कर सकते डब्लिन में, है ना ना, और फैमिली के साथ। सर आप अकेले जॉब करके नहीं सर्वाइव कर सकते, फैमिली के साथ आप कैसे सर्वाइव करोगे? आप चीज़ बताओ, आप यहाँ पर कोई मिनिमम सैलरी के हिसाब से भी काम करते हो, आप 2000 रुपये मंथ का कमा रहे हो, जिसमें से आपका 1000 यूरो आप अकेले बंदे का अपना रेंट दे रहे हो बिजली पानी दे के, तो आप मेरे को नहीं लगता भाई ना। प्रिंस इस टाइम गुस्से में है क्योंकि उसका भी ठीक ठाक एक्सपेंस हो रहा है यहाँ पे आके। में जैसे प्रिंस कह रहे हैं ना कि वहाँ पे पोर्चुगल से आए हुए हैं, तो वहाँ पे तो बंदा सोच लेता है कि भाई आयरलैंड में तो इनकम ज्यादा। सचिन बोलता है कि भाई 3000 बन जाते हैं, 4000। पहले तो मेरा प्रिंस है गला पकड़ाते हैं, जानता है कि भाई तब बोल रहा था 3000-4000, मगर यहाँ तो आकर इतना बच भी नहीं रहा वाकई भाई ना। अगर तो जॉब ही तो चलो हमने नहीं यहाँ पे अभी, हाँ ये कह सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर लकी हो, आप देखो हर बंदा अपनी फ्यूचर फैमिली के फ्यूचर के लिए, अब हम लोग सेटिंग थे सब कुछ था, बट अभी हमने बच्चों के फ्यूचर के लिए सोचा कि इंग्लिश कंट्री मूव किया जाए और आया जाए, तो उसके अकॉर्डिंग भी काफ़ी दिक्कत सी है कि जैसे एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है हम लोगों के लिए। हाँ। जो पूरा बढ़िया ज़िंदगी जिया कि हम लोगों को भी यहाँ पर महीने का 2000 यूरो 2500 यूरो मतलब आपका इजी एक्सपेंस है, जिसमें से आप अगर जॉब कर रहे हो तो आई डोंट थिंक जॉब करके आप सर्वाइव कर पाओगे। बंदा करोगे भाई ना साथ में आपकी वाइफ, अगर आप अपना बिजनेस करते हो यहाँ पर, साथ में अगर आपकी वाइफ साथ काम करे, बिजनेस कर रहे हो, देन इज चांसेस ऑफ अपर चांसेस टू सर्वाइव हियर। अदरवाइज भाई ये कंट्री बहुत अच्छा कंट्री है, बट एक्सपेंसिव बहुत है, बहुत एक्सपेंसिव है। तो बाहर मेरे को पता नहीं, बाहर तो सचिन भाई ज़्यादा बता सकता है कि बाहर ना हम हाँ सिटी सेंटर के बिल्कुल मिडल में है, ये तो मैं मिडल में। यहाँ पर अभी हमारी बिल्डिंग के आसपास हमने और भी घर देखे हैं 2800 3000 से पहले तो वो मिलते ही नहीं है, पहले मिलेंगे नहीं ठीक है, और पहले तो मिलते नहीं है, उसके बाद अगर कोई लकी आप होंगे ठीक है भाई, ऐसा होगा कहीं ना कहीं कोई करवा देगा तो थोड़ा बहुत कहीं लीड मिल जाएगी, बट उसके लिए आपको ये मोटा रखना पड़ेगा, लेकिन ये आते आते जीरो हो जाता है। बिल्कुल भाई ना, ये एक छोटी सी रियलिटी है अभी ना। अच्छा रियलिटी है, मतलब ये नहीं हम किसी को बता रहे हैं, ये सामने जो आवाज आ रही है ना भाई, ये सीगल है यहाँ पे ना। अच्छा सुबह को आवाज आती है पूरी सीगल, सारी सीगल, ये भाई ना सीगल बोलते हैं इनको डब्लिन में अपना, मिलते हैं। तो भाई ना देख रहे हैं कि पुर्तगाल से नई आवाज कहाँ से आई है। ये भाई ना पोर्चुगल में इसने भाई ने काफी टाइम लगा दिया, तो पासपोर्ट वगैरह लेने के बाद आया भाई यहाँ पे ना कि ठीक ठाक होना भाई ना, लेकिन एक्सपेंसिव ज्यादा है भाई। हम आपको डरा नहीं रहा, एक थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि आने से पहले देखो, नहीं तो इतना ईजी हो, हर बंदे के पास आज की डेट में मोस्टली लोगों के पास पासपोर्ट है, लोग क्यों नहीं आते हैं, कहीं जाते हैं। आपको कम से कम कहीं जाना है, आपने घर देखना है, काम ढूंढना है, और इतना इजी नहीं है आप सोचो इधर आ जाओ, आते ही आपके लिए काम खड़ा है, आते ही आपके लिए 2 साल लग जाते हैं सर। आपको कहीं आना है, आपको उस चीज़ को समझना पड़ेगा, आपको उसमें अपना टाइम देना पड़ेगा, उसके साथ आपको पैसा देना पड़ेगा। और कोई यहाँ पर और ये कंट्री में किसी का किसी के लिए टाइम नहीं, क्योंकि एवरीबडी इज टू बिजी। स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ रहे हैं, उन्हें कॉलेजेस करने हैं, पार्ट टाइम काम करने हैं, वो करने हैं। ये बात मैं भी एग्री करूंगा कि ना प्रिंस भाई जो बता रहे हैं, क्योंकि नए बच्चे आते हैं भाई ना स्टूडेंट, एक मन नहीं लग रहा है, वो सोचते हैं भाई ना वापस भाग जाओ, 15-20 इंडिया से लगा के आया भाई ना, ये एक स्ट्रॉन्ग माइंड बना के आओ। यहाँ पे अगर आ रहे हो ना, 2200 यूरो आप जब रेंट दोगे ना भाई, आप बंदा सोच लेते यार इसे कमाई कर दे देंगे, लेकिन जैसे वो बना रहे हो या नहीं प्रिंस, मेहनत करके, इतनी मेहनत करके बना रहे हो। 12-12, 13-13 घंटे में स्टूडेंट्स को देखता हूँ, जहाँ पे हम रह रहे स्टूडेंट है 13-13 घंटे की शिफ्ट लगा के आते हैं, कॉलेज की फीस देते हैं, करते हैं, उसके बाद स्ट्रेस में भी होते हैं। चलो वो अभी कर रहे हैं, अभी अपनी लाइफ को कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके पास सेविंग नहीं हो पाता, अपने वो खर्चे ही कहते हैं हमारे निकल जाते हैं। उसके लिए भाई ना मैं ये भी कहूँगा यार, इंडिया से आ रहे हो ना जो पेरेंट्स वीडियो को देख रहे हैं भाई ना, थोड़ा सा रिलैक्स होने दो 2-3 साल बच्चे को, यानी कि थोड़ा अपने पैरों पे स्टैंड होने, जो लेट हिम कंप्लीट हिज कोर्स, उसके बाद ही विल गेट द जॉब इन द क्रिटिकल, उसके बाद उनका लाइफ शुरू होगी। बट शुरू में उसको देना पड़ेगा, और घर वालों को ये चाहिए उनको फाइनेंशियली उतनी किसी चीज़ का बर्डन मत डाले। अगर डाले तो उनको 3-4, अगर उनको उस चीज़ में करेंगे तो बच्चे यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाते हैं, मैंने देखा है काफ़ी ज़्यादा। बिल्कुल हाँ, बंदा अपनी ना लाइन चेंज कर जाता है, वो सोचता है यार चल काम ही कर रहा हूं ना, अभी ये चीज़ छोड़ दो। इसी के ऊपर आपको बड़ी अच्छी बात बताता हूँ। मेरा एक जानकार बंदा है, उसका यहाँ पर काम लग गया कहीं पे सिक्योरिटी में, अच्छे पैसे उसको मिलने लग गए, बहुत बढ़िया। वो आया अपने एजुकेशन पे था, एजुकेशन उसकी ख़त्म हुई, बेंगलोर का लड़का है, मैं उसको जानता हूँ, परसों ही मेरे पास बैठा हुआ था, फ़ोन आया उसको, कल आया तो उससे बात हुई है मेरी, तो उसने परसों का मेरे को फ़ोन करे, कल हम लोग बैठे हैं, तो कल काफ़ी देर उससे रात को जब आया तो बात हुई, तो वो मेरे को उसका बोलता है कि भाई मेरा 6 महीने बाद वीज़ा मेरा ख़त्म हो रहा है। अच्छा। मैं वापस जा रहा हूँ इंडिया, भाई मैं क्या करूँ, मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, क्योंकि क्रिटिकल के टाइम में उसने 1.5 साल पैसे के चक्कर में, वो उसकी सैनर्जी में जॉब लगी, सैनर्जी में नाइट का उसको काम मिला, बढ़िया उसने पैसे कमाए, उसका 16-17 यूरो घंटा था, तो उसने अपना वो जो टाइम था वो ख़त्म कर दिया, जॉब ढूंढने के चक्कर वाला जो टाइम था, क्योंकि लालच हो गया उसको, हर साल इंडिया भी जा रहा था। अब वो बोल रहा है, कल उसका आंखों में आंसू थे कि भाई मेरे को क्रिटिकल, कहता मैं अपने इंटरव्यू के चक्कर में और वो कर, कह रहा मैं अपना वो भी भूल गया हूँ कि मेरा, क्योंकि मैं ध्यान ही उसका पैसा, उसको प्रेशर पीछे से इतना था घर वालों को। तो ये है भाई यहाँ पे अपार्टमेंट की सिचुएशन देख रहे हो भाई ना, तो इसी में काफ़ी स्टूडेंट रह रहे हैं, और इंडिया में या फिर कहीं से भी आप देख रहे हो, तो ऐसा आपको रूम मिलता है या फिर ऐसा आपको अपार्टमेंट मिलता है भाई ना। 1100 यूरो रेंट होएगा, अगर 2200 यूरो टोटल है भाई ना उस अपार्टमेंट का रेंट, सिटी सेंटर के मिडल में, विदाउट बिजली, विदाउट आपको गैस, इलेक्ट्रिसिटी, टीवी, कुछ नहीं है भाई ना उसमें इंक्लूडेड। तो 1100 यूरो आप दोगे, 1100 यूरो दूसरे रूम वाला देगा, तो आप उसको शेयर भी कर सकते हो अपने रूम में किसी को रखने के बाद। तो ये कुछ सिचुएशन है भाई यहाँ पे ना। तो जो भी भाई आ रहा है अपना स्टडी करने के लिए आ रहा है, तो ये सोच लो कि 1-2 साल अपने स्टडी में लगाना है, जब तक आपकी स्टडी चल रही है। पैसे सेविंग आयरलैंड में भूल जाओ भाई ना, जब आपकी जॉब लग जाती है, क्रिटिकल स्किल वीज़ा लग जाता है और सारी सेटिंग हो जाती है, उसके बाद भाई अपना सोचना शुरू करो। शुरू में नहीं अभी कोठियाँ डालनी या फिर गाड़ियाँ ले ली। अभी देखो हम लोग भी वहाँ से सारा कुछ अपना बिजनेस और वो आया, अब अभी हम लोगों को, मेरे को भी लगता है कि यार अभी मेरे को स्टार्टिंग में यहाँ पे जैसे लाइसेंस किया है वो किया है, लास्ट में प्लान है कि चलो आगे या कोई रेस्टोरेंट लेंगे या कोई टैक्सी का करेंगे या वो, लेकिन उसके लिए भी अभी टाइम लगेगा। टाइम लगता है, और टाइम मींस मनी है अभी आयरलैंड में। अच्छा कितना एक्सपेंड होता है भाई ना मंथ का, आप ही लगा लो 1100 यूरो का, तो भाई 1100 ये, और अगर आप इधर रह भी रहे हो, अगर आप मेरे हिसाब से यार एक बंदे का इजीली 1700-1800 यूरो का खर्चा हो जाता है। 1800 यानी कि भाई ना। लो भाई अगेन आपको ये वीडियो दिखा के डब्लिन के बारे में सच्चाई बता के, आपको डराना नहीं है, सिर्फ अगेन भाई आपको थोड़ा सा हुबरू कराना है बिना सिचुएशन से यहाँ पे ना। ये लो भाई अगेन हम बंद हो गए हैं अपार्टमेंट के अंदर। बेस्ट विशेज अपना जो भी आ रहा है आयरलैंड डब्लिन में, और बेस्ट विशेज सारे अबाउ। हाँ अपने हिसाब से लो भाई अपना। आई होप यू एन्जॉय द व्लॉग। व्लॉग क्या भाई आपके लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग के साथ, नेक्स्ट जानकारी के साथ। टिल देन टेक केयर।